बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है हॉट एंड स्पाइसी विदा ऑयल विंग्स। आगे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो मैंने विंग्स ऑयल में बनाई थी, तो ये विदा ऑयल मैं ओवन में बनाऊँगी। उसके लिए जो जो मसाले मैं डालूँगी साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, एक बड़ा सा बोल लेना है, उसमें मैं 2 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी। काली मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च, आधी चम्मच जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, चिली पाउडर 1/2 चम्मच, पपरिका 1/2 चम्मच। ये विंग्स जो है मेरी 1.5 किलो विंग्स है, मैं उसके मुताबिक मसाले डाल रही हूँ। अब इनको मैं मिक्स करूँगी मसालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह मिक्स करना है। विंग्स को पहले से मैंने धोकर रखा हुआ है। थोड़ा सा लेमन जूस 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई ऑयल कोई नहीं, कुछ भी नहीं इसमें आपने डाला। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी विंग्स तैयार होंगी, जैसे रेस्टोरेंट में होती है ऐसे ही। कलर के लिए मैं थोड़ा सा रेड कलर इसमें फूड कलर वो मैं डालूंगी चुटकी भर। बिस्मिल्लाह, अब इसमें मैं विंग्स डालूंगी। अच्छी तरह इनको मिक्स करूंगी। ओवन जो है मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन किया हुआ है। विंग्स को मैंने अच्छी तरह मसाला लगा लिया, मिक्स कर दिया है। अब मैं एक ट्रे लूँगी, उस पर मैं बटर पेपर लगाऊँ। मैंने एक ट्रे लिया है, उसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊँगी। अब एक एक करके मैं सारी विंग्स रखती जाऊँगी। बटर पेपर जो है ना, इससे स्टिक नहीं होती। आप जब भी रोस्ट वगैरह कुछ भी बनाएं तो इसी तरह बटर पेपर पे रखें। अब मैंने सारी विंग्स ट्रे में लगा ली हैं। इनका कलर रेड है, पता नहीं कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रहा। अब इनको मैं कवर नहीं करूँगी, इसी तरह मैं ओवन में रखूँगी। अब इनको मैं 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। अब 20 मिनट गुजर गए हैं, अब मैं विंग्स को चेक करती हूँ। अब मैं इनकी साइज चेंज करती हूँ। माशाल्लाह, अब सारी विंग्स की मैं साइज चेंज करूँगी और दोबारा मैं 20 मिनट के लिए इनको ओवन में रखूँगी। अब मैं सारी विंग्स की साइड चेंज की, अब मैं दोबारा मैं इनको ओवन में रखूँगी। जब तक हमारी विंग्स तैयार होती हैं मैं थोड़ा सा सैलड साथ तैयार कर लेती हूँ। अब सैलड मैंने काट लिया है, ओनियंस को मैंने धोया है, से कड़वापन खत्म हो जाता है धोने से।
जो आपकी मर्जी है वो आप सैलेड लें, आपकी अपनी मर्जी है। विंग्स को चेक करती हूँ। माशाल्लाह हमारी विंग जो है वो तैयार हो गई है, तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह अब रेडी हो गई है, मैं तोड़ के चेक करती हूँ। माशाल्लाह देखें इस अंदर से भी जो है अच्छी तरह कुक हो गई है। हाँ मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मैं इनको लिंडो के सॉस के साथ सर्व करूँगी और साथ फ्राई भी ओवन में रखे हैं। माशाल्लाह देखें इनका कलर कितना अच्छा आया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जिस तरह मैंने मसाला के साथ चिपकाया था उसी तरह चिपका हुआ है, ज़रा भी नहीं उतरा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।